सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मनाली लेह सड़क से बर्फ हटाने का कार्य सीमा सड़क संगठन ने शुरू कर दिया है। बीआरओ के अधिकारियों द्वारा केलांग में मशीनों की पूजा की गई और बर्फ को हटाने का कार्य शुरू किया गया। बीआरओ की टीम स्टिंगरी तक बर्फ हटाने का कार्य जल्द पूरा करेगी ताकि हेलीपैड जाने के लिए लोगों को वाहनों की सुविधा मिल सके। लाहौल स्पीति जिले से गुजरने वाली मनाली लेह सड़क पर सरचू तक के करीब 222 किलोमीटर हिस्से से सीमा सड़क संगठन हर वर्ष बर्फ हटाता है। इस बार यह कार्य पिछले कुछ दिनों से खराब मौसम के चलते देरी से शुरू हुआ है। मनाली लेह हाईवे सेना के हथियार, गोला, बारूद और रसद ले जाने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं यहां से लेह लद्दाख जिला के लिए सेना को आपूर्ति भी की जाती है। मनाली लेह मार्ग बंद होने के कारण इन दिनों लेह लद्दाख की भारतीय सीमा पर तैनात सेना को रसद और अन्य सामान जम्मू मार्ग होते हुए पहुंचाया जा रहा है। वहीं डीसी लाहौल स्पीति अश्विनी चौधरी ने बताया कि अगर मौसम ठीक रहा तो रोहतांग दर्रे को भी बहाल करने के लिए मशीनरी तैनात कर दी जाएगी और दर्रे को भी जल्द यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए मनाली से आशीष शर्मा की रिपोर्ट।